अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुक विद अली। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेश क्रीम की रेसिपी। इसको टेट्रा पैक क्रीम भी कहते हैं और मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे बनती है घर में। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। और सिर्फ भी आपको इसके लिए बस दूध की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ऑलपर्स, मिल्कपैक, उनकी छुट्टी कर दी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आप रेसिपी की तरफ और बताते हैं आपको क्रीम कैसे बनती है। यहाँ पे हमने 2 किलो दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है, खुला दूध जो बाज़ार में मिलता है। डब्बे वाला दूध हरगिज इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके ऊपर मलाई कभी भी नहीं आ सकती। तो आपने खुला दूध लेना है, उसको बॉयल करना है सबसे पहले। और बॉयल कोशिश करेंगे उधर ही किचन में रह कर ही बॉयल करें, अपने काम करें, क्योंकि बहुत से लोग उधर कुछ और कामों में लग जाते हैं तो ये होता है कि दूध सारा बॉयल होकर नीचे गिर जाता है और इससे सारा मिल्क जो आपका है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना, कुछ ही मिनटों में बस बॉयल हो जाता है दूध। तो ये देखें यहाँ बॉयल हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दूध को हम ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख देंगे तकरीबन 12 घंटे के लिए। ये देखें जब दूध अच्छी तरह ठंडा हो जाता है ना, तकरीबन 12 घंटे हमने इसको फ्रिज के अंदर रखा है, फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है इसको। ये देखें अच्छी तरह मलाई आ गई इसके ऊपर, इतनी मोटी सी। अब नाइफ़ की मदद से मलाई को उतारेंगे, किनारों से हटा दिया हमने। अब इस तरीके से देखें आप मलाई को किस तरीके से, बहुत नाजुक होती है मलाई, एकदम नरम मुलायम। थोड़ा आराम से इसको हैंडल करना है इस तरीके से। देखें हाथ में ले ली हमने। अब हम दिखाते हैं आपको आपने क्या करना है। ये आपने प्लेट के अंदर रखनी है उल्टी साइड मलाई की। ये मलाई की जो ऊपर वाली साइड है ना, वो नीचे की तरफ है। ये देखें अब इसके ऊपर से जो झिल्ली है ना, इसकी वाली क्रीम होती है ये, इसको उतार लें। ये देखें स्पैचुला की मदद से, आपके पास स्पैचुला नहीं है तो किसी भी चम्मच नाइफ की मदद से भी आप उतार सकते हैं। ये देखें कितनी सारी क्रीम देखें आपके पास आ रही है। ये वही वाली क्रीम आपको देखने में लग रही होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने आपको इतना अच्छी चीज़ सिखाई आज आपको, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है। हमने सारी की सारी क्रीम जो मलाई के ऊपर से उतार ली है, अब ये सिर्फ मलाई की एक परख रह गई है। इसका हमने क्या करना है, इसका हम मक्खन बना सकते हैं। ये देखें आपको चेक करवाते हैं, देखें कितनी पतली हो गई मलाई। हमने इसके ऊपर इतनी सारी क्रीम उतार ली है, अब इसके ऊपर मज़ीद उतनी उतार सकते हैं। तो अब इसके मक्खन बनाएंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, जो हमने क्रीम उतारी है उसके अंदर हम 1 टीस्पून मिल्क ऐड करेंगे यानी कि दूध, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो क्रीम है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अभी आपको हम चेक करवाते हैं, तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको अपनी दिखाते हैं कि कैसी क्रीम तैयार हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त क्रीम है। ये देखें आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाते हैं, कैसी कंडीशन है देखें इसकी। देखें कितनी स्मूथ है, बिल्कुल जैसे ऑलपर्स मिल्कपैक कंपनी की होती है ना, बिल्कुल वही वाली है। और एक बात आपसे अब शेयर कर देता हूँ मैं, ये वो वाली क्रीम नहीं है जो केक्स पे लगती है, व्हिपिंग क्रीम, वो अलग होती है, वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती है, वो घर में हम कभी भी नहीं बना सकते। लेकिन ये जो हमने बनाना सिखाई है ना, वो फ्रेश क्रीम है जो आप सालन के अंदर, वाइट कढ़ाई के अंदर, मीठे खीर, कस्टर्ड, लब्बे श्री के अंदर और वगैरह वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हरगिज़ आप इसको केक के अंदर इस्तेमाल मत कीजिएगा। वो लोग ऐसे ही, कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही बोल देते हैं कि ये केक्स के ऊपर लगा लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।